हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अखिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में आप लोग मैप कैसे भरेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक आपका यहाँ पर जो है मैप मिलेगा। यहाँ पर देखिए भारत का भी होगा, ठीक है, और उसके पीछे आप देखेंगे तो यहीं पर जो है आपको विश्व का भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है, तो ये सेट जो है 2022 का है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान ही है और कोड आप देखेंगे तो ये कोड है। और सबसे पहले जो आप मैप भरेंगे तो मैप का जो क्वेश्चन होता है लास्ट में होता है, 10 नंबर में आता है। यहाँ पर अनुक्रमांक डालेंगे, जो अनुक्रमांक आप यहाँ पर डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 12, ठीक है, मैं भर के दिखाता हूँ, 12, 22, 56, 67, 54, ठीक है, इस तरह से मतलब छोटा में लिखेंगे, मैंने बड़ा लिख दिया। और यहाँ पर कक्षा लिखेंगे तो कक्षा 10th होगा आपका। ठीक है, वर्ग भी जो होगा वहाँ पर वर्ग लिख देंगे, तो यहाँ पर वर्ग आपका जो भी होगा B1 B2 जो भी होगा लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये संसार में है, और इसी तरह से भारत वाला भर रहे हैं तो आप भारत में भी लिखेंगे, तो भारत में यहाँ पर रोल नंबर आप लिख देंगे, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ 12, 22, 56, 67, 54 है, कक्षा 10th हो जाएगा, वर्ग जो है आपका B1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप वर्ग भर देंगे। ऊपर भरने के बाद आप आइए यहाँ पर भारत में, देखिए, ठीक है, ये आपका मानचित्र हो गया, इसको साइड में करते हैं। और यहाँ पर देखिए तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कभी कभी कोड भरने को आ जाता है तो पेपर में यहाँ पर कोड भी भर देना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है, सबसे लास्ट में क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर मानचित्र कार्य हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये आपका मानचित्र कार्य है, मैप वर्क देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए, ठीक, मैप वर्क है। तो इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं क्या दिया गया है 28 नंबर में, राजस्थान की राजधानी। देखिए यहाँ पर जो आपको कैसे पता लगाना है, ये जो मैप है किस में भरना है, यहाँ पर लिखा जाएगा निर्देश में दिए गए भारत के मानचित्र में। ठीक है, यहाँ पर दिया जाएगा भारत के, जैसे कि यहाँ पर विश्व का भी दिया जाएगा भारत का, तो जैसे भारत में भरना रहेगा तो भारत के मानचित्र में जाएगा लिखा जाएगा। और यहाँ पर आपको, ठीक है, आ जाना, समझ लेना कि भारत के मानचित्र भरना है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाइए, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो आप देखिए पहले आप चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे तो आधा नंबर मिलेगा, और इसे लिखेंगे भी कहाँ है तो दोनों मिला के 1 नंबर का ये जो है हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो यह जो है कहाँ पर है, जयपुर में है। ठीक है, जयपुर आप देखेंगे तो मैप में कहाँ है, राजस्थान, ये आपका मैप हो गया। ठीक है, तो राजस्थान आपका यही है, ठीक, ये आपका राजस्थान है, जयपुर आपका यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, इसको आप क्या करना है, जैसे कि आप चिन्ह बताया गया क्या है, तो चिन्ह आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह बनाना है। ठीक है, ऐसे बना देंगे आप, ठीक, इतना बनाने के बाद और आप आएंगे, आप चाहे तो यहीं पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप तीर मार के, आपको अंदर जगह नहीं मिले तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जयपुर। ठीक है, जयपुर, इस तरह से जयपुर लिख देंगे, ये हो गया आपका। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, एक आसानी से भरा गया आपका। इसी तरह से भरना जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग मत करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्या है, दूसरा, चाय उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र का चिन्ह द्वारा दर्शाइए, चाय उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो है असम है, चाय उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र है वो असम है। तो असम आप देखेंगे कहाँ पर है, मैप में आपको असम पता होना चाहिए, तो असम जो है आपका कहाँ पर है। ठीक है, असम जो आपका है यहाँ पर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश के पास ही असम है। तो असम को देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से दर्शाना है, ये वाला चिन्ह बनाना है। ठीक है, ये वाला चिन्ह आपको बनाना है, देख सकते हैं आप लोग दूसरे नंबर पे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, कुछ इस प्रकार से ऐसे बॉक्स बना देना है इसमें। ठीक है, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और ऐसे ऐसे चिन्ह है, ऐसे ऐसे चिन्ह आप खास देंगे इसमें। ठीक है, खासने के बाद आप यहाँ आएंगे तो इस तरह से तीर मारेंगे और यहाँ पर पॉइंट भी दे देंगे, क्योंकि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। और कहाँ पर है असम, तो यहाँ पर चाय उत्पादक से, तो यहाँ पर लिख देंगे असम। ठीक है, यहाँ पर असम इस तरह से लिख देंगे, ये भी कंप्लीट हो गया। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा, यहाँ पर इस चिन्ह द्वारा जो है आपका नाम से दर्शाना है। परमाणु ऊर्जा जो केंद्र है बहुत सारे हैं, उसमें से एक जो है आपका हो जाएगा भाभा परमाणु केंद्र, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है महाराष्ट्र मुंबई में है। तो महाराष्ट्र मुंबई कहाँ पर है आपको देखने को मिल जाएगा, जो महाराष्ट्र मुंबई, तो यह आपका जो है मुंबई है, महाराष्ट्र, यहाँ पर आपका ये जो है आएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो इसको आपको किस तरह से दर्शाना है, यहाँ पर आप बनाएंगे इस तरह से त्रिभुज का आकार और यहाँ पर मारेंगे इस तरह से तीर। ठीक, तीर मारने के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, तो आप यहाँ पर पॉइंट पहले ही दे देना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र मुंबई लिख देना पूरा। ये कंप्लीट हो गया, तीन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा है, ताप्ती नदी कहाँ से मतलब उद्गम है इसका, तो इसको आपको मैं बता देता हूँ, ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में ही पड़ता है,
तो ये देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये आपको मैंने पॉइंट रख दिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका जो चिन्ह है कुछ इस प्रकार से बनाना है चिन्ह, इसका चिन्ह आपको इस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह से कुछ बनाएंगे, देख सकते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक। और यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, और पॉइंट 51 सा क्वेश्चन है मतलब चौथा है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक, इसे चौथा करने के बाद यहाँ पर सीधा पॉइंट आप बाहर ले जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, मध्य प्रदेश, ठीक है, साफ से अच्छे से लिखेंगे मध्य प्रदेश, कुछ इस तरह से लिख देंगे, लिखे मत, ये आपका कंप्लीट हो गया। एक और है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध की चिन्ह द्वारा से, तो यहाँ को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है हीराकुंड बांध को, तो यहाँ पर देखेंगे हीराकुंड बांध जो है कहाँ पर पड़ता है, ओडिशा में, ठीक है, हीराकुंड जो बांध है ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा आप देखेंगे कुछ यहाँ पर पड़ेगा आपका मैप में जाके आप लोग मिला लेना। तो यहाँ पर आपका चिन्ह जो है कौन सा है, चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये बॉक्स बना हुआ है ऐसा कुछ, ठीक, ये बॉक्स है और इसमें इस तरह से है, और यहाँ पर आप तीर मारेंगे तो लिखेंगे ओडिशा, ठीक, ओडिशा, एक मिनट गलती हो गया, ठीक है, इस तरह से रहेगा ओडिशा, यहाँ पर ओडिशा आपने लिख दिया, और यहाँ पर लिखेंगे कौन सा क्वेश्चन था जो आपका पांचवा था, इस तरह से कुछ कर देना, ठीक। ये मैप आपका इस तरह से हो गया, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको जो विश्व के मानचित्र में भी भरना है जहाँ पर रहेगा आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से अगर आप लोग मैप भरते हो तो आपका जो नंबर है पूरा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे सारे और वीडियो देखने को मिलेंगे आप लोगों को।